रक्षाबंधन कब है? 30 या 31 अगस्त? इस समय भूलकर भी ना बांधे राखी। और क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो इस वीडियो में आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा काल का समय त्याग करके ही राखी बांधनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि भी 2 दिन पड़ रही है, तो भक्तों के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि राखी का त्योहार किस दिन और किस मुहूर्त में मनाना शुभ होगा। ऐसे में दोस्तों, कुछ भक्तों का मानना है कि राखी का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा और कुछ भक्तों का मानना है कि राखी का त्योहार 31 अगस्त को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि राखी का त्योहार किस तिथि और किस मुहूर्त में मनाना सबसे अधिक शुभ रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक होता है और इस दिन बहन अपने भाई की रक्षा के लिए उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी अपनी बहन की सदा रक्षा करने का अटूट वचन देते हैं। पर दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आप भी भद्रा काल में अपने भाई को राखी ना बांधे। दोस्तों, इस तथ्य से संबंधित कथा यह है कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और उसका 1 वर्ष के अंदर ही विनाश हो गया था। और इसी के साथ दोस्तों, भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है, उन्हें ब्रह्मा जी ने ये श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय कोई भी मांगलिक कार्य करेगा तो उसका परिणाम सदैव ही अशुभ और अनिष्टकारी होगा। दोस्तों, इसलिए आप भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाने में भद्रा काल के समय का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर हो रही है और इसकी समाप्ति 31 अगस्त को सुबह 7:46 पर होगी। दोस्तों, हालांकि पूर्णिमा विशेष रूप से उदया तिथि में 31 अगस्त को पड़ रही है, पर दोस्तों 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि पूरे दिन रहेगी, इसलिए 30 अगस्त दिन बुधवार को राखी का त्योहार मनाना अत्यंत ही शुभ रहेगा। क्योंकि दोस्तों, बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और गणेश जी को रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों ही त्योहारों में पूजा जाता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि भद्रा काल का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, भद्रा काल का मुहूर्त 30 अगस्त को पूरे दिन रहने वाला है। इसकी शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:52 पर होगी और इसका समापन 30 अगस्त को रात 9:01 पर होगा। और इसलिए दोस्तों, आप भी राखी का त्योहार भद्रा काल के बाद ही मनाए तो यह अत्यंत शुभकारी रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।